मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 10th के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस कनेक्शन, इस पे चर्चा करने जा रहे हैं। सीरीज का मतलब होता है कि मान लीजिए जैसे ये चौक आप देख रहे हैं, एक चौक के बाद ये दूसरी मैंने कनेक्ट कर दी, एक जहां खत्म हो रही है दूसरी वहां शुरू हो रही है, इसको कहते हैं सीरीज अरेंजमेंट। तो वैसे मैंने देखिए ये दो वायर जिनको रेजिस्टेंसेस कहते हैं इनको मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, एक है R1 और दूसरा है R2, और यहां पे मैंने ये बैटरी कनेक्ट कर दी। बैटरी में आपको ध्यान रखना है कि जो बड़ी लाइन होती है वो प्लस को रिप्रेजेंट करती है और छोटी लाइन माइनस को रिप्रेजेंट करती है। तो ये हो गया सीरीज कनेक्शन। अब बच्चों ये देखिए आप कि अगर मान लीजिए ये दो ट्यूब है, इनको आप इमेजिन करिए कि ये दो ट्यूब है और आपने कनेक्ट कर दिया, और सपोज यहां से वाटर फ्लो हो रहा है, तो वाटर जितना इस ट्यूब में से होके जाएगा उतना ही इसी में से और दूसरे में से भी होके जाएगा। तो मतलब जो फ्लो होने वाली चीज है, तो यहां पे फ्लो होने वाली चीज क्या है, करंट। मतलब जितना करंट इस पे फ्लो होगा उतना ही करंट दूसरे रेजिस्टेंस पे भी फ्लो होगा। तो यहां पर हम जो लिख लेना है कि इस सर्किट या इस अरेंजमेंट में जो सेम है वो है करंट। अब दूसरी बात देखिए, अगर आप सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो यहां पे आप देखो लेवल का थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, और इस चैप्टर में जो लेवल का डिफरेंस है उसको अपन कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब आप अपने दिमाग में इस टॉपिक पे लेके आएंगे कि भाई लेवल का डिफरेंस, तो मतलब यहां पे डिफरेंट क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। तो सेम हो गया करेंट और डिफरेंट हो गया पोटेंशियल। अब हम इसको यहां पे लिख भी देते हैं, आई तो सेम होगा लेकिन अगर इस बैटरी से मैंने वी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो यहां पे इकट्ठा होगा V1 और यहां पे V2। अब बच्चों आपको याद रखना है कि इसका जो डेरिवेशन है उसमें मैं ये टेक करता हूं डिफरेंट, जो डिफरेंट है वहां से आपको स्टार्टिंग देना है। अगर स्टार्टिंग स्टेप आपका सही हो गया तो आगे आप सही रहेंगे, तो स्टार्टिंग में ले रहा हूं जो चीज डिफरेंट है। तो डिफरेंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने V अप्लाई किया वो दो भागों में डिवाइड हो गया, V1 प्लस V2, तो इनका सम V के इक्वल होगा। तो सीधी सी बात है जितना मैं सप्लाई से ले रहा हूं कुछ यहां पे लेवल है कुछ यहां पे है, तो इन दोनों का जब मैं सम करूंगा तो नेचुरली जितना मैंने टोटल अप्लाई किया है उसके बराबर होगा। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब ओम्स लॉ से अपन भलीभांति परिचित हैं कि V इक्वल्स टू IR। तो V इक्वल्स टू IR अगर मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो यहां पे मैंने लिखा IR, यहां पे IR1 प्लस यहां पे IR2। अब जो जनरल गलतियां आपसे होती है कि आप यहां पे I1R1 लिख देते हैं और यहां पे I2R2, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि करंट पूरे सर्किट में सेम है, तो यहां पे I आएगा और यहां पे भी I है। अब ये I कॉमन निकल गया, यहां पे ये इस तरीके से कॉमन निकाल दिया हमने, तो I से I कैंसिल हो गया, और ये जो रेजिस्टेंस आ रहा है इसको अपन कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब आपने वो दो अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं सीरीज में, लेकिन वो दोनों कनेक्ट होने के बाद टोटल इफेक्ट कितना दे रहे हैं, वो इफेक्ट को अपन कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहां पे सीरीज में अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखें तो ये आ रहा है R1 प्लस R2। अब बच्चों ये तो थ्योरेटिकल बुकिश नॉलेज है, हमको ये सोचना है कि इसके आगे और डेप्थ में हम इस फॉर्मूले के बारे में क्या सोचते हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल अपन लेते हैं कि मान लीजिए 2 ओम और 3 ओम ये दो रेजिस्टेंस हैं और इनको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो सीरीज में जब हम कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 2 प्लस 3 मतलब 5 ओम। अब एक बात आप समझिए कि सबसे ज्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस मैंने कौन सा लिया था, 3, और इनको जोड़ने के बाद जो आंसर आ रहा है ऐड करने के बाद वो आ रहा है 5 ओम। मतलब सीरीज में जो सबसे बड़ी वैल्यू का रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी ज्यादा आ रहा है। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं
कि इस केस में मुझे जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो मुझे मिलेगा मैक्सिमम रेजिस्टेंस। ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस आप आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि कई न्यूमेरिकल्स में आपको बोला जाता है मैक्सिमम रेजिस्टेंस, तो तुरंत आपका ध्यान रहना चाहिए कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस मतलब सीरीज करंट, तो ये कहलाता है सीरीज करंट। अब हम बात करते हैं दूसरा अरेंजमेंट जिसको कहते हैं पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो पैरेलल का मतलब क्या होता है कि अभी अपन ने जो वाटर की ट्यूब इमेजिन की थी वो इस तरीके से की। अब आप इमेजिन करिए कि मैं इस तरीके से कनेक्ट कर रहा हूं, दो ट्यूब मैंने ऐसे कनेक्ट कर दी और ये दोनों ट्यूब का कॉमन पॉइंट जहां से जो फ्लो होने वाली चीजें वो आ रही है, तो ये कॉमन पॉइंट इधर है और दूसरा कॉमन पॉइंट इधर रहेगा। तो बच्चों देखिए ये जो दोनों कॉमन पॉइंट एक ये है और एक ये है, इनका लेवल सेम है। तो पहले तो मैं इसका डायग्राम बनाता हूं कि भाई एक रेजिस्टेंस ये है आर वन और दूसरा रेजिस्टेंस है ये आर टू और ये इनका कॉमन पॉइंट, इसको मैं कह देता हूं ए, इसको बी और यहां पे इसको मैंने इस तरीके से बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो आप देखेंगे कि कॉमन पॉइंट्स का लेवल जो है वो तो सेम है, तो यहां पे फिर से मैं लिख लूंगा कि भाई इस डायग्राम में सेम क्या है, तो सेम है पोटेंशियल डिफरेंस। और अलग अलग क्या होगा, तो बड़ी कॉमन सी चीज है कि भाई ट्यूब ऐसी है, अब ये पानी आ रहा है तो कुछ पानी इसमें चला जाएगा कुछ इसमें चला जाएगा, मतलब यहां से पानी या वाटर की जगह करंट आ रहा है तो वो करंट डिवाइड होके कुछ करंट इसमें चला जाएगा और कुछ करंट इसमें चला जाएगा, लेकिन टोटल तो फिर वही निकलेगा जो एंटर हो रहा था। तो मतलब यहां पे जो डिफरेंट है वो है करंट। और मैंने आपको टेक्निक बताई थी कि स्टार्टिंग कहां से लेना है अपन को, तो स्टार्टिंग अपन को लेना है जो डिफरेंट है। तो डिफरेंट क्या है, करंट मतलब आई एंटर हो रहा था और वो दो भागों में डिवाइड हो रहा था, तो आई इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू। अब ओम का लॉ वी इक्वल्स टू आई आर, That means I equals to V by R. इसको मैं यहाँ पे substitute कर दूंगा, तो ये हो गया V by R1 plus V by R2. अब बच्चों गलती से भी आप यहाँ पे V1 V2 मत लिखना, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि जो potential difference है वो इन दोनों point पे same। अब यहाँ से V common निकल के cancel हो गया और equivalent resistance बचा 1 upon R1 plus 1 upon R2। अब इसी को आप एलसीएम लेके ऐसे भी लिख सकते हैं, आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। अब इस फॉर्मूले को अगर आपको याद करना है तो याद करने के लिए आप छोटा सा टेक्निक याद रखना, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एडिशन। तो अब जैसे आप इसको मन में ही सॉल्व कर सकते हैं कि टू और थ्री को पैरेलल में कनेक्ट किया तो इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो आप अपने मन में कैलकुलेट करिए कि प्रोडक्ट मतलब 2 इंटू 3 6 और एडिशन मतलब 2 प्लस 3 5। तो अगर मैं 2 ओम और 3 ओम के दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करता हूं तो ये आ गया 6 बाय 5 और 6 बाय 5 मतलब ये आया 1.2 ओम। तो यहां से एक और बात मेरे को बहुत अच्छी पता चली कि जो 2 और 3 रेजिस्टेंसेस थे उनमें सबसे कम कौन सा था, 2। तो जो आंसर आ रहा है वो इससे भी लेस आ रहा है, मतलब इस कनेक्शन में मुझे जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो मुझे कैसा मिलेगा, मिनिमम। तो ये था बच्चों सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट। आगे के वीडियोस में अपन इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।